आई आई देख हम तुरा से मिलने आए हैं भाई, एक दो बार आके खोलना, देख हमारी तरफ। हम मानते हैं आई कि हम बहुत गलतियां की हैं, बहुत बुरा बर्ताव किए हैं तुरे साथ, लेकिन कहां करें, हमारी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जहां है। लेकिन जब से तोरा से मिले हमें समझ में आया कि परिवार का ओहबत है, रिश्ते का ओहबत है, अपनों की अहमियत क्या ओहबत है। आई आज तोरा वजह से हमारे सारे रिश्ते पूरे हो गए। हम कोनों के पोते हैं, कोनों के भाई हैं, हमारी भांजी है। हे आई, हम तोरा को बताने ही भूल गए कि उस दिन हम तेजू से मिले। वो पगली कितनी मासूम है, उसको दुनियादारी की समझ ही नहीं है, चार फल नहीं खरीद सकती अपने आप। लेकिन ये अच्छा है कि वो नहीं खरीद सकती, क्योंकि ना समझी के कारण हम उसकी मदद कर पाए। आई हम उसको एक आम का बक्सा दे दिए। आई वो आम का बक्सा में से पूरे परिवार ने आम खाए होंगे, वो लोगों ने नहीं जानते, लेकिन हम उनकी खुशी में शामिल हुए। छोटी सी सही ये काफी हमारे लिए आई, बहुत अच्छा लगा। हेलो अर्चना जी, पीछा करते करते यहां तक भी आ गए। मैं अभी पुलिस को फोन। ओ मैडम जी, फोन उन बाद में करिएगा, पहले बता तू यहां क्या कर रही है। क्या मतलब, मैं इनकी डॉक्टर हूं। सच सच बता तू यहां क्या करने आई है, कौन भेजा तोरे को, क्या करना चाहती है हमारी आई के साथ। ये तुम्हारी आई है? हाँ हमारी आई है। तुम्हारा नाम क्या है? तो हम आई होप कि इन्हें गोली मारने वाला पकड़ा गया हो। खुद इनके बेटे ने ही इन्हें गोली मारी थी, सोहम नाम है उसका। माय गॉड, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती हूं। ये लड़का तो एक नंबर का गुंडा है। मुझे इसी वक्त की नौकरी छोड़। सुनो, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल के डीन से मिलना है। तो लड़का, हेलो डॉक्टर, कैसी हैं? और अर्चना कैसी? क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? वो गुंडा, वो लड़का। कौन, किसके बारे में बात कर रही है? मुझे नहीं पता था कि वो आपका बेटा है। मेरा मतलब है एक शरीफ आदमी का बेटा है, एक गुंडा। उसने अपनी आई पे गोली चलाई। मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसने दो बार मेरा रास्ता काटने की कोशिश की और भरे बाजार में मेरे साथ बदतमीजी की। सर आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपकी पत्नी एक बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी पत्नी है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मेरे माता पिता एक मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया, और अब मैं ये पार्ट टाइम जॉब करके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। लेकिन उस गुंडे से उलझ के मैं कोई खतरा नहीं ले सकती। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आपकी पत्नी की सेवा करती, लेकिन मैं अब ये केस हैंडल नहीं कर सकती हूँ सर। आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट मीट दीज काइंड ऑफ पीपल। क्या किया उसने आपके साथ? किया तो कुछ नहीं, लेकिन वो टाइम वहां अर्चना जी के रूम में सुधरोगे नहीं ना। इस हॉस्पिटल में आकर भी तुमने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी। अरे जो औरत मेरी अर्चना को ठीक करने की, उसकी देखभाल कर रही है, उसे नई जिंदगी देने की कोशिश कर रही है, उसे भी डराना धमकाना शुरू कर दिया तुमने। क्या कह रहे हो? हम को डराया धमकाया नहीं है, उससे सूरी कुछ उल्टा सीधा बोल दियोगी तोरे को। अरे हम जानते नहीं थे वो डॉक्टर है, काहे उलझेंगे उससे। अपना नाटक बंद करो,
तुम्हारे किसी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। हाँ तो क्या करें? निकल जाए यहां से, निकल। तुम्हारी वजह से आज मेरी अर्चना की हालत, हमारी जिंदगी खराब करके रख दी है तुम। हमारा बेटा कहलाने के लायक नहीं होते। हमको भी कोई शौक नहीं है तुरे को अपना बाप कहने का। तुरे को तुरी गलत फिल्मी मुबारक हो। चलते हैं। सुकर्मना, कि तू हमरी आई की डॉक्टर है, वरना इतने झूठ बोलने के लिए हम तोरे को ऐसा सजा देते कि जिंदगी भर ना ही भूलती। फिर कभी भी दोबारा हमारा रास्ता काटने की कोशिश भी मत करना। डॉक्टर, अब वो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, और अगर वो ऐसी गलती करता है तो आप मुझसे आकर कहना। लेकिन प्लीज, अर्चना के केस को हैंडल नहीं करने की बात कभी मत कहिएगा। आपकी वजह से हम सब में एक उम्मीद जगी है। आप प्लीज उस उम्मीद को टूटने मत दीजिए। और फिर आप ही ने कहा ना कि आपके माँ बाप ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, अगर आप इस काम को छोड़ देंगी तो कैसे चलेगा? और फिर एक गुंडे के लिए अपने सपनों को छोड़ देना ठीक नहीं है। सो प्लीज डोंट लीव दिस केस। अर्चना जी, इस किताब में लिखा है कि इंसान का मन उसके शरीर से ज्यादा ताकतवर होता है, और हम अपने मन की ताकत से किसी भी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप मुझे सुन रही हैं, और मैं ये भी जानती हूं कि आप यहां से उठकर अपने परिवार से मिलने के लिए बेसब्र हैं, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आपको और कोशिश करनी होगी। आपको अपनी बॉडी का रेसिस्टेंट ब्रेक करके हमें कुछ पॉजिटिव साइंस देने होंगे। आई एम नॉट श्योर, पर शायद इससे पहले भी आपने कुछ ऐसे साइन दिए होंगे जो अनफॉर्चुनेटली हमने मिस कर दिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट अर्चना जी, पर आई प्रॉमिस यू कि अब से मैं आपका एक भी साइन मिस नहीं करूंगी। इसके लिए अर्चना जी, प्लीज ट्राई हार्डर, इट्स अ वेरी क्रूशियल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए और हमें रिस्पॉन्ड कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। आपका परिवार कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, और सब आपसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल हम तोरा से पूछना चाहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही? और ऐसा कहानी का सुना रहे थे हम जाए। देखिए, मैं इनकी डॉक्टर हूँ, और मैं ये जो भी कर रही हूँ ना, इट्स अ पार्ट ऑफ माय थेरेपी। क्या भागा तोरा ने? और थेरेपी मैं भी ना किसे समझा रही हूँ, जस्ट फॉरगेट इट। हो मैडम जी, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतने गए गुजरे नहीं कि कोनो भी बात करेंगे आप हमसे। बात करत है हमको। डॉक्टर नहीं, तू पागल है? पागल, हमारी आई के कान में बड़बड़ा रही है। आपको भी इलाज की जरूरत है, बता रहे। इलाज की जरूरत मुझे नहीं, इन्हें है। और अच्छा होगा कि तुम इन पर ध्यान दो, ये किसी भी वक्त रिएक्ट कर सकती है। हमें इनकी हर एक हरकत पर ध्यान देना होगा, ताकि हम इन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सके। ये देखो, ये मॉनिटर्स देख रहे हो, अगर इनके हाथ या पैर कभी भी मूवमेंट करते हैं ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें ग्राफ, मेरा मतलब है ये लाइन ऊपर नीचे होने लगी। और अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो तुम्हें हमें तुरंत इन्फॉर्म करना होगा, समझे? Thank you.
नहीं आई, ठीक है। अर्चना जी, आज मैं आपके पैरों की मालिश करूंगी। डेली मालिश करने से हड्डियों और घुटनों के लिए अच्छा होता है। बाय द वे अर्चना जी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके सामने आपके बेटे के लिए क्या क्या नहीं कहा, गुंडा मवाली, पर मैं क्या करूं, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता कि वो आपका बेटा है। मैंने आपके बारे में सब कुछ पता किया है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ होके भी चौल में रहती हैं। आपके परिवार के सभी लोग कितने नेक दिल और अच्छे हैं, और एक आपका वो बेटा, वो तो आपकी फैमिली में कहीं पे भी सूट नहीं होता। एक्चुअली उसे ना बात करने की तमीज ही नहीं है, कोई मैनर्स ही नहीं है। गॉड नोज आपने ऐसे बेटे की परवरिश कैसे की। आप मुझे सुन रही है ना अर्चना जी, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। प्लीज अर्चना जी, मुझे एक इशारा कीजिए कि आप मुझे सुन रही है। अर्चना जी प्लीज, डॉक्टर, 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 क्या हुआ डॉक्टर, आप जल्दी चलिए अंदर। डॉक्टर, डॉक्टर, अर्चना जी ने अभी अभी रिएक्ट किया है। मैं यहाँ पे बैठ के उनके पैरों की मालिश कर रही थी, और ये यहाँ रखा हुआ था, ये अपने आप नीचे गिर गया। एंड आई एम डैम श्योर कि ये अर्चना जी की किसी हलचल की वजह से हुआ है। डॉक्टर, इसका मतलब अर्चना जी कोमा से बाहर आ सकती है। इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर गौरी, जस्ट रिलैक्स, अर्चना जी ने इससे पहले भी रिएक्ट किया था, और इनके बेटे ने हमें ये बताया था कि उसने इनकी ब्रीथिंग की आवाज भी सुनी थी। और ये बात जब मैंने डॉक्टर अग्रवाल से डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई एम श्योर that we can receive her back to normalcy now. मुझे लगता है कि हमको मिस्टर मानव देशमुख को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यस डॉक्टर, मैं उन्हें अभी इन्फॉर्म करती हूँ। गुड। डॉक्टर गौरी, इट्स अ ग्रेट माइल स्टोन फॉर यू, गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू डॉक्टर। अब अर्चना जी के ठीक होने के और भी ज्यादा चांसेस हैं, बिलीव मी। यस मिस्टर देशमुख, अब अर्चना जी पहले की तरह नॉर्मल हो सकती है। इनफैक्ट मेरी डॉक्टर अग्रवाल से अभी बात हुई है, और उन्होंने बताया कि इस केस में हमें बहुत सारे पॉजिटिव साइंस दिखाई दिए। एज यू नो, डॉक्टर अग्रवाल इज अ जीनियस डॉक्टर। उन्होंने अर्चना जी जैसे काफी केसेस बहुत सक्सेसफुली हैंडल किए हैं। इससे पहले यूएस की एक लेडी जिसका नाम जिनीलिया था, वो 4 साल से कोमा में थी। उसके घर वालों के अलावा सब ने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, तब डॉक्टर अग्रवाल ही थे जिन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। और आज उनकी थेरेपी की वजह से जिनीलिया जी बिल्कुल ठीक है, और अपने परिवार के साथ हंस बोल रही है। डॉक्टर, क्या हम डॉक्टर अग्रवाल को यहाँ बुला सकते हैं? एक्चुअली वो अभी आउट ऑफ इंडिया है, क्योंकि उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है। अब उनसे डायरेक्टली बात कर लीजिए। हेलो डॉक्टर अग्रवाल। यस डॉक्टर अग्रवाल जी, हू स्पीकिंग? डॉक्टर, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूं। आपकी एसोसिएट डॉक्टर गौरी मेरी पत्नी अर्चना देशमुख का केस हैंडल कर रही है। ओ यस, मिसेस अर्चना देशमुख, शी इज इन कोमा राइट? जी, इस केस के सिलसिले में मेरी डॉक्टर गौरी से बात होती रहती है।
डॉक्टर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आकर पर्सनली मेरी पत्नी का केस हैंडल कर लें तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर देशमुख, पहली बात तो मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, उसके बाद मेरा स्केड्यूल इतना टाइट है कि मैं चाह के भी कुछ। हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं, लेकिन प्लीज आप जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे मैं अपनी पत्नी अर्चना को लेकर वहाँ आ जाऊँगा। बस डॉक्टर, अर्चना की हालत में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, मैं इसे खोना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता डॉक्टर, प्लीज प्लीज। ओके राइट मिस्टर देशमुख, मैं अपने स्केड्यूल को एडजस्ट करूंगा एंड ट्राई टू ट्रीट योर वाइफ। डॉक्टर गौरी से मैं डिस्कशन करता हूँ इस केस के बारे में, सारी डिटेल्स ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर अग्रवाल यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज मिस्टर देशमुख। अर्चना जी के लिए डॉक्टर अग्रवाल से बेटर डॉक्टर तो हो ही नहीं सकते हैं। ही इज द बेस्ट यू कैन गेट फॉर हर। थैंक्स टू यू टू डॉक्टर, आपने अर्चना के ट्रीटमेंट में जो प्यार जो अपनापन दिखाया है उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। वैसे औहदे में तो आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन उम्र में आप मेरी बेटी जैसी हैं। आपने हम सब में एक उम्मीद जगाई है। पापा करे आपको इस केस में और भी कामयाबी मिले और ये कामयाबी आपको तरक्की की ओर ले जाए। बेटी बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हें, तेरी बातें सुनकर तो हमें लगने लगा हमारी अर्चना जल्द से जल्द अभी ठीक हो जाएगी। आप लोग तो मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं, ये तो एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि हम अपने पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक करें, उसकी पूरी देखभाल करें। मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूं। और रही बात अर्चना जी की, तो अब वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी तरह ठीक होकर फिर से आप सबके साथ हंस बोल रही होंगी, बिल्कुल पहले की तरह। एक खुश खबर है, अर्चना डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो कोमा से वापस बाहर आ सकती है। भाई अब बाबा आई आई ठीक हो गई, अच्छा वापस आ जाएगी ना आई तो बहुत अच्छा होगा। वो भी बेटा कहाँ है तू? पापा मैं घर में हूँ। तो फिर तू ऐसे अटक अटक कर क्यों बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा सब ठीक है। वो क्या हुआ ना, कल रात शो करने गई थी तो बहुत लेट घर आई और इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। आप चिंता मत करो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक। भी बेटा तू रो रही, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बाबा अर्जुन। क्या किया अर्जुन? बोलना क्या कहा अर्जुन ने? ओवी बता तो सही। बाबा अर्जुन ने फिर मुझसे झूठ बोला, तू तो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, परी और पूर्वी के साथ रहना चाहता है। क्यों मुझे बार बार फोन करता है, मुझसे झूठ बोलता है, क्यों? देख बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। कुछ भी सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दे। तू एक काम कर, जैसे ही तेरे शोज खत्म हो जाते हैं तू वापस इंडिया आ जा। नहीं बाबा मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच रही हूँ। मैंने अर्जुन से बात की ऑनलाइन और आप जानते हैं वो परी और
पूर्वी अर्जुन के साथ थे, मेरे बेडरूम में थे वो दोनों।